और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में पहले तो हम एक नंबर पर थे, आज का पता नहीं हम कहां हैं। तो एक तरीके से कहें कि एक बड़ा बयान है ये, क्योंकि आपको बताएं वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों को गिनवाते रहते हैं, लेकिन क्या अब उन उपलब्धियों पर खुद विश्वास नहीं रहा है। विवेक तिवारी हमारे साथ है। विवेक, ये बताइए कि वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने सरकार की उपलब्धियों को बताते रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो भी कोशिशें हैं उसको हमेशा ही उन्होंने सामने रखा, क्या अब उन कोशिशों पर यकीन नहीं रहा? देखिए, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, खासतौर से यादव परिवार में जो कलह चल रही है वो बिल्कुल अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, और उसमें समझौते के तमाम प्रयास भी फेल हो गए हैं। अभी तक जो मुख्यमंत्री का कल का इटावा में दिया गया बयान सामने आ रहा है, उससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह अभी बरकरार है। और कल जिस तरह से शिवपाल यादव ने पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित की है, उसमें तमाम अखिलेश यादव के सपोर्टर्स जो उनके समर्थक थे वो बाहर हो गए हैं, और एक तरफ से शिवपाल यादव ने अपनी नई टीम तैयार की है। उन्होंने इस सवाल के जवाब में जो कहा कि सर्वे में पहले हम नंबर वन थे, अब हमें नहीं पता कहाँ है, इसके साथ ही उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही है कि हमें अदृश्य शक्तियों से भी लड़ना पड़ रहा है। जाहिर है कि अदृश्य शक्तियों के बारे में उनका इशारा किस तरफ था, और अगर मुख्यमंत्री खुद इस तरह की बात करते हैं कि वो उन्हें नहीं पता कि वो किस पोजीशन पर हैं, तो इसका मतलब यह है या तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं हिल गया है या कोई और नई स्ट्रेटजी के तहत वो काम कर रहे हैं। सही बात है विवेक, इसीलिए काफी बड़ा स्टेटमेंट है ये। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।